नो सर। अथर्व का सवाल था। चलिए सर। हाँ बेटा बोलिए। सर अगर कोई वैल्यू अगर दी हो हमें इन्फिनिटी में लॉग के टर्म में इन्फिनिटी तक, तो उसका आंसर कैसे निकालते सर? लेकिन हाँ क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन में ऐसे इन्फिनिटी तक लॉग दिए और फिर उसके आंसर निकालो बोले, तो वो कैसे निकालते सर? मुझे बोलो ना, मैं निकालता हूँ। सवाल तो बता दो, सवाल तो दिखाओ कि कैसे लॉग इन्फिनिटी तक किस तरह से क्या दिया हुआ। सवाल बताओ, थोड़ा देखते हैं हम भी। किसी और मित्र लोग का सवाल लेती है लॉगरिथम मॉडुलस और इन इक्वेशन का कहीं से जकड़े हुए सवाल भी है, तो कृपया कर आप अपने पोर्टल पे रख सकते हैं, मैं अभी आपको लाइव सोल्व करके दे रहा हूं। सर हेलो टूअल। हाँ बेटा बोलिए। सर एक सवाल है मॉडुलस का, बोलना। हाँ तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो। मॉड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस वन नहीं सर, सिर्फ एक्स को मॉड वन एज इट। तू मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे भेज दे, तू थोड़ा सा भी गलत बोलेगा ना तो मैं यहाँ पे आधा घंटा एक घंटा परेशान हो जाऊंगा, बेवजह परेशान हो जाऊंगा। बस तुम्हारा एक गलत पढ़ने की वजह से मैं परेशान हो जाऊंगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जो भी सोर्स है ना वहीं से फोटो खींच के मेरे को भेज दो ना, अभी तुरंत भेजो ना अभी। ओके okay. तुम बोले ना थोड़ा मॉड यदि पहले बोल दोगे या मॉड बाद में बोलोगे, तुम्हें तो लगेगा कि मैं छोटा सा मिस्टेक किया, लेकिन यार मैं परेशान हो जाऊंगा क्योंकि मैथ्स में एक छोटा सा मिस्टेक आदमी पे भारी पड़ता है, ध्यान रखना। ओके तो जल्दी भेजो बेटा। हर्षवर्धन आपके सवाल का इंतजार कर रहा हूँ, उससे पहले किसी का कोई होगा तो कृपया कर आप अपने ग्रुप में भी भेज सकते हैं, नहीं तो हमारे पास भी भेज सकते हैं, मेरे पर्सनल विंडो पे भी भेज सकते हैं। दो सवाल है। सवाल नंबर किसका? अथर्व का फिर सवाल आया हुआ है। सवाल नंबर कौन सा बेटा बता देना आप? 98 नंबर सवाल है। इतने डेंजर है कि मतलब बेटा दिख भी नहीं रहा, थोड़ा सा एक बार पढ़ने में मुझे मदद करना। यदि आप सवाल को रीड करोगे तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ प्रोजेक्शन उस पर है कि कुछ लिखे हुए। अथर्व सवाल रीड कर लो बेटा, सवाल अच्छा है, देखने में अच्छा लग रहा है सेफ उसके, लेकिन एग्जैक्ट क्या है मुझे डिजिट पढ़ने में तकलीफ हो रही। सर इन ब्रैकेट रूट पाई। हाँ रूट पाई रेस्ट टू लॉग एक्स टू द बेस पाई। देखना सभी लोग सवाल के मजे लेना, सवाल अच्छे पूछ रहा है इसने। हाँ बेस कितना, पावर कितना बेटा? लॉग एक्स टू द बेस पाई। दूसरे वाले मुझे कुछ भी दिख रहा है। अच्छा लॉग पाई स्क्वायर है यहाँ पे पहले। हाँ सर पाई स्क्वायर है वो। बहुत लोग क्या बोलता है कि लॉग बेस पाई है और 2x है सर, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता बेटा, इसलिए सही से बोलना। चलो तो इनसे से पाई किया इनटू इनटू रूट ऑफ पाई, रूट ऑफ पाई लॉग एक्स, लॉग एक्स बेस टू पाई रेस टू 4, पाई रेस टू 4। हाँ और फिर उसके आगे पाई रेस टू 8, फिर पाई रेस टू 16 ऐसा चलेगा। रेस टू एक्स एक्स बेस टू 8 सर, टिल इनफिनिटी इनटू है इनफिनिटी तक ना। हाँ इक्वल्स टू 3। क्या प्रूफ करना है? नहीं सर इक्वल्स टू 3 दिया है। अच्छा आंसर लाना है 3। हाँ सर। चलो फिर क्या है? तो हमारे धुरंधरों कृपया कर सवाल लिख लें, सवाल काफी ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोपा है। सोपा कैसे है मैं आपको करके दे रहा हूं, समझना। सबसे पहले मैं यहां से 3 लॉ ऑब्जर्व कर पाया हूं कि बेस सेम है तो पावर का एडिशन करते हैं, बेस सेम है तो पावर का एडिशन करते हैं, तो वही प्रॉपर्टी रूट पाई सभी का बेस है तो पावर सभी आपस में ऐड हो जाएंगे,
log h to the base 5 plus log h to the base 5 square plus log h to the base 5 to 4 चलते रहेगा ये इनफिनिटी तक है ना, कोई जीपी में आएगा सर वो। क्या बात है, पकड़ लिया यार तुम, समझदार बेटा। अब मैं एक काम कर रहा हूं, सभी में जंपिंग प्रॉपर्टी, किकिंग प्रॉपर्टी यूज करके उसको मैं बाहर करूंगा। ए टू को बाहर कर दिया, वन बाय टू पहले कर दू तो 1/4 बोलो, यहां से कर दू तो 1/8 बाहर। और यदि वंस अगेन उल्टा घुमा दू तो एक्स के पावर 1/2, फिर से इसको अंदर सेट कर दू तो पावर 1/4। अतिक्रमण कर रहा हूं, चलेगा ना? हाँ सर। पावर 1/8 ऐसो। बट एक बात ध्यान रखना, जब लॉग में सभी को ऐड करते ना तो आपस में सभी मल्टीप्लीकेशन में होते हैं। तो अभी टर्म ऐसा बन रहा है रूट पाई एज इट इज, इसके बेस ऑलरेडी सभी का पाई है, तो सभी x इंटू एक्स रेज टू 1/2 इंटू एक्स रेज टू 1/4 इंटू चलते रहेगा टिल इंफिनिटी तक। बेटा अब एक बात तुम समझना, यदि ऐसा है तो फिर कैसा है रूट जो है बेस, तो सभी का एडिशन कर लेता हूं 1/1/2 प्लस 1/4 प्लस आईसो ऑन इंफिनिटी, बेस सेम तो पावर का एडिशन। हाँ सर। एक बात तेरे दिल में ख्याल आ रहा होगा, कभी कभी तुम्हारे दिल में ख्याल आता है, आने दो जीपी, ख्याल से क्या होने वाला है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 - r। जमाना हो गया बता दो, जमाना हो गया पढ़ा के, बाल पक गए मेरे थोड़ा सा हल्का हल्का, दो चार पक गए बराबर है, अभी जो उग रहे हैं ना अपने खेती में, पके हुए उग रहे हैं, मैं तो देख के हैरान हूं, कह रहा मैं बुढ़ा हो गया। तो बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, समय के साथ पकना भी जरूरी है। बेस पाई एज इट इज और एक्स के रेज टू ऐसा कर लिया 1/1 - r यानी 1/2 बन जाएगा। करोगे ए का वैल्यू 1 है और इसमें तो कितना 1/1/2 यानी 2 निकलने वाला बेटा, 2 कैलकुलेटर में। क्यों इसको ऐसा लिखा, मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया सर, अब पाई की पावर 1/2 लिखेंगे। और तो पाई क्या बात है, देखो वहां पे बच्चा समझदार है, फिर वो 2 कैंसिल हो जाएगा सर, अब स्क्वायर वाला 1/2 फिर से कहां जाएगा, x के पावर में चला जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, हटा। अब सेम बेस पे जब पावर आएगा तो कितना आएगा? हां सर, आ सर वो 2 × 1/2 ना? हाँ तो एक्स की वैल्यू पूछी थी। अच्छा ओके, मुझे लगा कि इसको प्रूफ करने के लिए ऐसे 3 दिया हुआ है क्या, वो तो मैं सोच रहा हूँ यार, ये तो अपना एक सारा आंसर कैंसिल भी कर लिया तो यहां से तो एक्स आ गया, तो एक्स का वैल्यू 3। मैं तो सोच रहा हूँ कि अरे सोल्व करके तो एक्स ले आया, आंसर तो तुम्हें एक्स के रिस्पेक्ट में दिया हुआ नहीं। एक्स का ऐसे क्या 3 आया सर? अरे बेटा 3 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है उसके, उसने तो बाद में बोला था ना वानी। अच्छा दिस इज इक्वल टू ही 3 दिया हुआ था, शायद उसने बोला था, मैंने इग्नोर कर दिया था, मुझे लगा कि वो आंसर बता रहा है। नहीं कौन सा बुक का सिंगे जी, चलो कोई भी दे, हम तो लॉगरिथम का जान रहे हैं बस। कोई और भी मित्र सकते हैं सर, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सर, सर आप अपने सवाल अपने पोर्टल पे भेज सकते हैं। हाँ, जैसा कि भेज चुका है एक युवराज ने भी भेजा है सर। हाँ जी ले लो ना बेटा सर,
युवराज ने भी एक सवाल भेजा है। कौन सा चश्मे से पहने के तू देख रहा है कि वो आर स्क्वायर दिख रहा है? दो टिकट दिख रहे होंगे? नहीं सर। अरे दिख रहे क्या बताओ? नहीं मैं दो दो दिख रहा हूँ। नहीं सर। अरे आर तो लिखा हुआ है यार, उसका कहाँ दिख रहा है? नीचे वाला बोल रहा है क्या तू? तो फिर तो चांद दिख रहा होगा मेरे टकले पे तुम्हें। चांद आया है जमीन पे। चलो तो सवाल नंबर 7 युवराज का एक डाउट आया है। मिस्टर युवराज देखना क्या कह रहा है तुम्हारे सवाल। लेकिन ऐसे करने में भी बहुत मजा आता है। आपके लिए बोल दिया जाए कि कहीं से भी कोई डाउट लेके आओ और उसको हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन सवाल सही सवाल गलत ना होगे तो हम भी परेशान। परेशान क्या, मैं तो बोलूंगा कि बेटा बाद में करके देखूंगा। हाँ बराबर है, किस दिमाग लगाते रहेंगे, हो सकता है क्योंकि मैं बहुत बार छका हूं इस तरह से करते जा रहे हैं। स्टूडेंट ने माइनस की जगह पे प्लस बोल दिया था और दिया पर पसीने पसीने हो गया। फिर वो नालायक बोलता है कि सर माइनस नहीं था प्लस था। अरे नालायक, तूने हमारा पूरा एफर्ट बर्बाद किया। इसलिए बोलता हूँ कि अपने हाथ से लिख के ना लाए प्रेस ने, वहां जो हाथ दिया हुआ है वहीं से फोटो खींच के मुझे भेज दे। सर मैंने भेजा तो। क्या बेटा? सर मैंने भेजा आपको एक अभी। भेजा क्या तू भी? हाँ ग्रुप पर भेजा सर। चलो तुम्हें भी याद किया जाएगा। पहले लाइन में युवराज का डाउट क्या है? ए का वैल्यू लॉग 2 लिखना बेटा, वैल्यू लॉग 2। B3 यार युवराज तू पढ़ता ना यार, तो ज्यादा अच्छा रहता है, मेरे को घूम घूम के आना पड़ता है। C का वैल्यू log 7। C का वैल्यू log 7 और 6 raised to x that equals to and एक और भी है 6 raised to x equals to 7 raised to 4। हेलो ये है ना सर, देखो यार। हाँ तो x का वैल्यू पूछा है, x का वैल्यू पूछा है यार, तुम बताओ फिर मुझे। और ऑप्शन में भी बहुत तरह तरह के ऑप्शन है। 4b upon c plus a minus b, 4c upon a plus b minus c, 4b upon c minus a minus b, 4a upon a plus b minus c। यानी आपको भी समझा होगा, चार ऑप्शन भी दिए। तो सबसे पहले यदि मैं 2 की बातें यहां पे कर लू तो 2 को क्या लिख दूंगा? 2 को लिख दूंगा लॉग को हटाना है तो अंटी लॉग को बुलाना होगा। सर बोलो। यस सर। मैंने आपको एक जानकारी बहुत पहले ही दिया था कि लॉग को भगाना है तो अंटी लॉग को बुलाना है। बुलाओ अंटी को। हाँ बुला। अंटी आ जाओ। तो 2 is equals to e raised to a लिख दिया मैंने। अरे बोलो। e raise to l का 2 आएगा। लिख सकता हूं क्या मैं इसको? a का वैल्यू है, b का वैल्यू है और 7 ऐसा है। यार एक काम बताओ फिर मुझे। हाँ 2 का वैल्यू कितना आएगा बेटा बोलना? log 2 का वैल्यू a, तो 2 is equals to कितना आ जाएगा? 10 raise to a is equals to e raise to a लिख देता हूँ। e ले लेता हूँ बेटा, सब में ही ले लूंगा, बराबर है क्योंकि एंटी लोग को बुला रहे हैं। यस सर। 3 is equals to कितना लिख दू? e raise to b एंड 7 is equals to कितना लिख दू? e raise to c बराबर है। अब आपको जो दिया हुआ है, आपको जो दिया हुआ है क्या 6 raise to x that equals to 7 raise to x plus 4
ओके हमें इसको 2 इनटू 3 रेज टू x से दैट इक्वल्स टू 7 रेज टू x प्लस 4 ऐसा लिखा चलेगा क्या? हां सर, लेकिन एक बात तो बता मुझे, 2 और 3 के जगह पे मैं यहां से इसके वैल्यू को यहां पे टाक सकता हूं? हां सर। युवराज जवाब देते रहना बेटा, तेरा सवाल है। e टू द पावर a प्लस b इनटू x दैट इक्वल्स टू 7 के जगह पे मैंने लिख दिया e रेज टू c और इसके पावर है कितना? x प्लस 4 सर, वहां पे x रहेगा सर पावर में, दे दूंगा। अब तू बताना मुझे कि यदि मैंने इसको ऐसा लिया बेस से में तो पावर को एडिशन कर लिया a प्लस b इनटू x दैट इक्वल्स टू e रेज टू c इनटू x प्लस 4 हो जाएगा। हाँ सर। अब तू बोला जब बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर सकता हूँ? यस सर। सवाल है बेटा, बहुत लोग हाँ हाँ बोल रहे हैं, तू गायब हो गया सवाल पूछ के। तो जो सवाल पूछेगा उससे मैं बोलूंगा बेटा कि तुम प्रेजेंट रहो और जानकारी जो भी मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ वो एक बार तुम देख लो, बताते जाओ मुझे भी। यार अब एक बात बताओ, मुझे x का वैल्यू चाहिए ना, क्या चाहिए? x का वैल्यू ना। हाँ सर। तो a प्लस b इनटू x माइनस cx प्लस 4 तेरी प्लस 4 c कर लिया मैंने। हाँ सर। 4c और यहाँ से x से यदि कॉमन भी ले लिया तो 4c अपॉन a प्लस b माइनस c, और मैंने कुछ ऑप्शन में बोला था ऐसी बातें। युवराज तुम बताओ बेटा कि आपने जो सवाल भेजा उसके ऑप्शन में ऐसे आंसर है क्या? क्योंकि आंसर देखना आपका काम है, मेरा काम है तो सोल्व करके लेफ्ट देना। यस नो मैसेज करें यदि आप बोल नहीं सकते हो तो। कौन सा आंसर? मैं ही ढूंढ दूं? 4C कहीं दिख रहा है ऊपर में? हाँ दिख रहा है बेटा, ऑप्शन बी है नंबर आंसर आपके। युवराज है कि गायब हो गया? बेटा जिसने सवाल पूछा गायब है क्या? है सर वो है। तो मैसेज क्यों नहीं कर रहा है? थोड़ा पूछना उससे क्यों ऐसे कर रहा है। अरे नेक्स्ट सवाल किसके हैं? मोहित के सवाल हैं जो ग्रुप में आपके आए हुए हैं। कौन सा है बेटा सवाल नंबर, एक बार बोलना। 84। कितने नंबर? 84। आपके हाँ मशीन पर देखना थोड़ा, देखो रेडी? यस सर। अबे थोड़ा यार मजे लेना दो ना मुझे भी जीवन के। क्या है बेटा सवाल पढ़ना मोहित? तू हाँ तू पढ़ने में अच्छा पढ़ता बेटा। लॉग नंबर कितना था? 84। बाकी लोग भी देखना सवाल के कलेक्शन अच्छे अच्छे ला रहे हैं तुम लोग, पता नहीं कौन से सोर्स से ला रहे हैं लेकिन लाओ, अच्छा लग रहा है मुझे, मुझे तसल्ली मिल रहा है बहुत दिन के बाद। कुछ पूछते हो ना तुम, बहुत तसल्ली आता है, लेकिन तुम पूछते नहीं हो ना तो बहुत गुस्सा आता है, मन करता है कि पीटू पकड़ दो। चलो बोलो। लॉग 8 अपॉन x स्क्वायर टू द बेस 8। ओए लॉग 8 अपॉन x स्क्वायर टू द बेस 8। पावर नहीं सर उसको, नहीं टू द बेस 8 अपॉन लॉग एक्स टू द बेस 8 पावर होल स्क्वायर। कितना? 8 होल स्क्वायर, नीचे वाले का, नीचे वाले का स्क्वायर रेडी को कितना? 3। तो करना क्या है तुम्हें? अच्छा 3 है, रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं, देखना समझदारी से ध्यान देना, अच्छा से आएगा बेटा, बहुत अच्छा आएगा। तुम लोग जो भी देख रहे हो 18-20 लोग जो हैं आप स्क्रीन के सामने, थोड़ा सा नजरें फाड़ के बिल्कुल नजरों को इस तरह से करके ऐसा बराबर है देखना, चश्मे की पावर से देखना, लेकिन देखना। सबसे पहले इस सवाल में आपको जो दिया हुआ है, मैं न्यूमरेटर को थोड़ा सा परेशान जरूर करूंगा, लॉग 8 टू द बेस 8 माइनस log x square to the base 8। एग्जाम करके तू बाहर ले लूंगा, जंपिंग करा दिया। बोलो जंपिंग जंपिंग सर,
जंपिंग 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 जपान बच्चे तो तुम्हारे जैसा है, मैं क्रॉस वाली ट्राई कर देता हूं। तो थ्री टाइम्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस एट रे यार, इसका वैल्यू का स्क्वायर है सर, सर वापस स्क्वायर था ना वो टू रे सर, तो 8 को आप 2 टू द पावर क्यूब के 1/3 दे देंगे सर। अरे लिखा ना मैंने स्क्वायर करके, इतना टेंशन क्या ले रहा है? इसको नहीं सर, इधर एलएचएस में वर्क, एलएचएस में कहां स्क्वायर है रे? नहीं सर वो बेस किलोमीटर में बोल सर, अरे वाला हां सर हां, तो मैंने उसको जंपिंग कराया ना, मैं बोला ना जंपिंग जंपिंग बोला तो नहीं दिया सर, कुछ नहीं सर। अरे तो करो ना जल्दी कर दू, नहीं कर रहे दो बोलना तुम्हारा डाउट है, मोहित तेरे को बोलेगा वे तेरे डाउट में मैंने बोला क्या, रहने दो मेरे डाउट में क्यों बोल रहा है, रहने दो सर उसके पास में उसको बात करो, वो झगड़ेगा तेरे से फिर बाद में बोलेगा कि मेरे डाउट में तू काहे को टंगल आ रहा है। नहीं सर चलो डन, यस सर, किसी और का होगा बेटा तो भेज देना सर, मैंने भेजे किसी और का हूं। अच्छा युवराज का है, युवराज तो गायब हो गया था और किसने भेजा, ओंकार ने भेजा है ग्रुप में, तो चलो ओंकार का पहले निपटाते हैं उसके बाद आएंगे फिर युवराज का। क्या कलेक्शन ऑफ सवाल आ रहे हैं आपके, क्या कलेक्शन ऑफ सवाल आ रहे हैं? तो हर लोगों के पास तो एक डिक्शनरी बन जाएगा अच्छे सवालों का। सवाल 95 क्या बोल रहा है, रीड करना होगा द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लॉग साइन लॉग टू द बेस साइन एक्स, लॉग तो है आगे में, आगे बोलना 2 raised to 10 x to the base sin x greater than 0, 2 raised to 10 x to the base sin x na, yes sir, greater than 0, greater than 0 in the interval 0 comma by 2, in the interval 0 comma 1 by 2 number of solution pucha na, pi by 2 sir, acha 0 comma pi by 2 aisa to kyun nahi aaya beta, bahut saral hai na, dekhe na 2 raise to 10 x की बात यदि मैं कर लूं तो ये sin x के पावर क्या, greater than sin x के पावर क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे, sin x के पावर 0 कर लूं 1 हो जाएगा, 2 raise to 10 x कितना greater than 1 बन रहा है, ऐसा। हेलो हां सर, अब ये 0 से pi by 2 में पॉसिबल है क्या और कितने जगह पे पॉसिबल है पूछा है तुमसे, तो मैं इसको tan x यदि लिख दू तो tan x लिख दू greater than एक ही बार पॉसिबल है सर, x equals to 45 log 1 का वैल्यू कितना होगा, 0, यहाँ पे मैंने याद करो कि था आपको लॉगरिथमिक इक्वेशन जिसका मैंने भरपूर इस्तेमाल किया, हाँ सर, यदि मैंने लिखा तो log 1 to the base 2 and this becomes 0, तो x का वैल्यू क्या क्या होगा सर, वो 30, 30, 45, 60 और 90, तो जितने से पाई बाई टू के बीच में बड़े नंबर, 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में टाइम कैसा होता है नेगेटिव पॉजिटिव, आप बेटा बोलना
सर बस वो जीरो डिग्री नहीं लेंगे सर, बाकी सब ग्रेटर देन जीरो आते ना उसमें, टेन में जीरो को छोड़ करके सभी आता, जीरो को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा ना इसके इंटरवल में, वैसे तो भी चार चार आता सर, तो सभी होंगे। हाँ सर, सर पर ऑप्शन में चार नहीं है ना, क्या दिया आंसर है, तीन दिया होगा, लेकिन दूसरी बात है ना, नहीं सर 95 का जीरो दिया है, जीरो है आपको ग्रेटर देन जीरो चाहिए। हाँ सर, ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल टू वन चाहिए। हाँ, एंड साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू वन। यस सर, बोलो ना। अब इन दोनों और इसका बात को ध्यान में रखना, टेन एक्स ग्रेटर देन जीरो और साइन एक्स ग्रेटर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बराबर है, वन तो होगा ही नहीं पर टू हो जाएगा। क्या दिया आंसर, फिर तीन आएंगे, जीरो दिया सर आंसर, डायरेक्ट जीरो दिया है। हाँ, बेस साइन एक्स है और टू रेस टू टेन एक्स है, मैंने कहीं कुछ मिस्टेक किया क्या? नहीं सर, लेकिन अभी अपने को नहीं पता, मैंने एक पड़ाव पे ही काम किया। यदि इन इक्वेशन के दूसरे साइड में मैं काम करूं, इन इक्वेशन को मैं दूसरे साइड में, पहले मैंने यहां पे ग्रेटर देन जीरो लिख दिया, अब यदि साइन एक्स वाला लिखता हूं एक्स का वैल्यू, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस। जीरो दिया है, बोलो आएगा ना बेटा, देखो ना, टू रेस टू लॉग टू रेस टू टेन एक्स है और बेस इसके साइन एक्स है, ग्रेटर देन जीरो है दिया हुआ, और यदि मैंने लिख दिया कि साइन एक्स यदि लेस देन ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या था यार, बेस तो वन से बड़ा होना चाहिए और वन से छोटा होना चाहिए। ए बेस ग्रेटर देन वन तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो लॉजिक क्या धुरंधर की धुरंधर है लॉजिक में। बेस दो तरह के आपने इंडिकेशन में देखा, एक बेस ग्रेटर देन वन के लिए देखा और एक बेस जीरो और वन के लिए देखा आपने। तो बेस ग्रेटर देन वन तो हो ही नहीं सकता है, ग्रेटर देन वन साइन के वैल्यू होते हैं क्या, साइन का औकात ही नहीं, साइन का औकात ही वन तक। देखो कंडीशन याद सीखा हुआ था बेटा बेस में, तो साइन का वैल्यू जीरो और वन के बीच में होगा, फिर जीरो और होगा तब जाके सॉल्यूशन जीरो। सवाल बेहतरीन है, कंडीशन को समझने पे सवाल है। कंडीशन यहां पे दिया है, बेस कभी भी आपको पता कि वन नहीं होनी चाहिए, बेस दो तरह के होते हैं, एक जीरो से वन के बीच में और एक होता है बेस वन से बड़ा। वन से बड़ा तो यहां पे हो ही नहीं सकता है क्योंकि साइन एक्स है, साइन का औकात ही है अपनी वन तक, तो वन से बड़ा की बात ही कहां करेगा। तो मैंने जीरो और वन के बीच में लाया, जब जीरो से वन के बीच में लाया तो इंडिकेशन बदल जाते हैं। बोलिए सर, रैंडम डाउट डिस्कशन फ्रॉम लॉग मॉड इन इक्वेशन। सर बोलना, ये लॉग के बाद एक बार वो कॉनिक सेक्शन सर टेस्ट ले लो सर, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो दिमाग से जा रहा है सर, वो दिमाग खजवा रहा है। नहीं वो थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं सर, इसलिए उस पे एक बार टेस्ट लो सर। चलेगा, अब युवराज के क्वेश्चन ले लेता हूं। युवराज अभी आया, गायब हो गया यार। बहुत सिंपल बेटा युवराज, बहुत सिंपल। सवाल मेरा देखने में बड़ा है लेकिन काम बहुत छोटे हैं,
ऐसे पूछते रहते ना तो बहुत अच्छा लगता है, पूछते हो तुम्हें भी ऐसा फ्रीडम मिलता है, कोई टीचर के पास यदि फ्रीडम मिलता है तो बच्चे को एक बहुत बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है। फ्रीडम इन द सेंस कहीं से भी पूछो, लाइव में पूछो, ऐसा नहीं कि तू भेजेगा मैं फिर उसको सोल्व करूंगा, सोल्व करके तेरे को भेजूंगा, ये प्रोसेस नहीं। लाइव अभी पूछो, अभी सोल्यूशन लो, सीधा फ्रेंकली सोल्यूशन लो। और इस तरह के करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं इस फील्ड में। बातें तो बहुत लंबे लंबे होते हैं, काम बहुत छोटे छोटे होते हैं। युवराज तूने जो सवाल भेजा है बेस लॉग थ्री टू द बेस टू है, मैं काम कर रहा हूं बाजू में ही आपको लिख देता हूं लॉग थ्री टू द बेस टू को मैंने एक्स पकड़ लिया क्योंकि बहुत जगह रिपीट कर रहा है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। नेक्स्ट बोलना x प्लस टू, नेक्स्ट बोलना x प्लस सेवन, प्लस बोलना 25, माइनस बोलना, माइनस कितना x प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस टू। हेलो यही है ना सर? तो यार क्या मैं इसको सोल्व करके, पहले इसको सोल्व कर देता हूं कितना आ रहा देखना। तो पहले इसका इसके साथ सोल्व करूंगा मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ करूंगा, तो अंडर रूट ऑफ पहले बोलना एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसका भी बोल देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स बन जाएगा, प्लस टेन बन जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा लॉग के अंदर रूट के अंदर में। माइनस कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना बेटा बोलना सेवन एक्स प्लस टेन हो जाएगा, बोलो सर। हाँ क्लियर? यस सर। अब मैं यदि फिर से एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स के जगह पर टी पकड़ लिया, देखना कैलकुलेशन आसान कैसे करते, टी पकड़ लेता हूं पुट दिस तो कितना आ जाएगा टी इंटू टी प्लस टेन प्लस 25 माइनस टी प्लस 10। अब यदि इसको सोल्व कर लिया t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 25 का होल स्क्वायर बन गया। हाँ सर। तो t प्लस 5 का होल स्क्वायर बनेगा तो t प्लस 5 बाहर निकलेगा। आएगा फिर माइनस t प्लस 10। यदि इसको कैंसिल कर दिया तो t प्लस 5 माइनस t माइनस 10 pt उड़ गया तो 5 में से 10 गया माइनस 5 माइनस 5 ही तो आंसर होगा। युवराज आप मुझे बताओ कि आपके सोर्स में आंसर क्या है। हाँ माइनस फाइव आंसर है, अच्छा हुआ तुमने एक्सेप्ट कर लिया। तो तरीके देखिए, तरीका मैंने एक्स के टर्म में बिल्कुल लॉग को हटा ही दिया सीधा, मैंने ऊपर में ही जहां देखा कि बहुत बार रिपीट हो रहा है ना, बिना तान लेने के लिए मैंने उसको एक्स पकड़ लिया, एक्स पकड़ के मैंने इक्वेशन बनाया, फिर मुझे लगा कि हर जगह सेवन एक्स दिख रहा है, इसको भी जोड़ने के बाद सेवन आएगा, इसको भी जोड़ने के बाद सेवन आएगा, तो क्यों ना एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स को मैंने अलग कॉन्स्टेंट बदल दू। अगर कॉन्स्टेंट मान लिया तो एक टर्म इस तरह से बन के आपके सामने रेडी है, तो इस सवाल भी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। बेटा आज का डाउट है लॉग मॉड इनिक्वेशन बोला हूं मैं, लॉग मॉड इनिक्वेशन भी बोला हूं। चलो आज इतना ही ले रहा हूं क्योंकि अभी मेरा क्लास होता है बेटा, 10-15 मिनट के बाद तुरंत क्लास होता है, ठीक है? तो चलो आज के सेशन में इतना ही, ऐस करिए और टेस्ट अच्छे से दीजिए, ठीक है? बाय सर। बाय बेटा, गुड बाय टू यू।